डोंट वरी सर, कल की मीटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। जी सर, ओके ओके, ठीक है सर, बाय। सरजेश ये लो डिवोर्स के पेपर, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। डिवोर्स के पेपर, लेकिन ये क्यों? क्योंकि मैं रोज रोज के झगड़ों से ना परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती अब तुम्हारे साथ। मतलब वो सारी बातें अभी तक तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं? क्यों नहीं चलेंगी सारी बातें अभी तक दिमाग में? मैं अपने घर में ना काम भी नहीं करती थी, और इस घर में क्या तुम मुझे इसलिए लेके आए थे? नौकरानी बनाकर रखा हुआ है तुमने मुझे, मैं नहीं रह सकती। इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। दीप, जैसा तुम चिल्ला रही हो ना मुझ पर, अगर ऐसे ही मैं तुम पर चिल्लाने लगा ना तो हमारा तलाक ना पक्का है। इसलिए ना तुम पहले मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारे पूरे घर का काम कर करके ना मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है, इसलिए मैं अब और अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगी। दीप, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ खराब है? और हम लड़कों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। कभी ना तुम लड़कियां खुद को हम लड़कों की जगह रखे देखो। लगता है मुझे ये सब बताना पड़ेगा कि हम लड़कों की लाइफ कितनी टफ होती है। हम लड़के ना अपनी बीवी से दो मिनट हंस के क्या बात कर लें, हमारी माँ को ये लगने लगता है कि हमारा बेटा ना जोर का गुलाम हो गया है। और एक बेटा अपनी माँ से तो हंस के क्या बात कर ले, बीवी को तो ये लगने लगता है कि मेरा पति ना अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। और अगर वही पति जब एक पिता बनता है ना और अपने बच्चों को डांटता है तो वो निर्दयी हो जाता है, और अगर वो अपने बच्चों को कुछ ना बोले तो वो एक लापरवाह बन जाता है। और अगर एक पति ऑफिस के चक्कर में अगर घर से बाहर रहे ना तो वो आवारा कहलाता है, और वही पति अगर घर के अंदर रहे ना तो नकारा और निकम्मा कहलाता है। और तो और दीप, एक पति ना अपनी बीवी को बाहर जॉब ना करने दे ना तो वो उस पर शक कर रहा है, और अगर वो उसे जॉब करने दे तो दुनिया वाले बोलते हैं कि अपनी बीवी की कमाई पे पल रहा है। और जब एक पत्नी अपने पति को ताना मारती है ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है कि मैं घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और परिवार को संभालती हूँ, तो तुम भी ना मेरी एक बात सुनो, बाहर जाके चार लोगों की बातें सुनना और पैसे कमा के लाना इतना आसान नहीं होता मेरे लिए। घर में बैठे बैठे बातें करना ना भी बहुत आसान है, मुझे ना अपने बॉस की सुननी पड़ती है, अपने मैनेजर की सुननी पड़ती है, यहाँ तक तो कभी कभी ना अपने जूनियर की भी सुननी पड़ती है। और पता है कब? जब हम पूरी मेहनत और दिल से काम करते हैं तब। कभी कभी तो ना मन करता है कि जॉब ही छोड़ दूँ, लेकिन फिर ना मेरे परिवार का चेहरा ना मेरे सामने आ जाता है, और उसके बाद ना अपने उबलते हुए खून को भी ना ठंडा करके ना काम करते रहना पड़ता है। तुम औरतों को तो ना कोई टेंशन ही नहीं होती है, जब मन हो तब काम कर लो, अपने मन के हिसाब से चलो, और अगर खुद भी काम करना ना हो तो घर में एक नौकरानी लगा लो, उससे काम करवा लो। लेकिन हम मर्दों को ना हर हालात में हर मुसीबतों में घर से बाहर निकलना ही पड़ता है काम के लिए। एक मर्द एक एक पैसा कैसे जोड़ता है अपना घर चलाने के लिए, ये बात ना तुम औरतें कभी नहीं समझोगी, ये बात ना सिर्फ एक मर्द ही समझ सकता है। एक पति अपना घर परिवार चलाने के लिए कितनी टेंशन में रहता है, ये बात ना तुम बीवियां कभी नहीं समझोगी। और अगर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, नोक झोंक हो गई, तो तुम औरतें ना सीधे तलाक के पेपर लाके मुंह पे मारती हो और बोलती हो कि मुझे तलाक चाहिए, नहीं रहना तुम्हारे साथ। और दीप, मुझे तुम एक बात बताओ, किस परिवार में नोक झोंक नहीं होती, किस परिवार में लड़ाई नहीं होती, लेकिन तुम ना मुझे फोन लगा के सिर्फ एक ही बात बोलती हो कि जल्दी से घर आ जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। तो जरा सोचो, तुम तो मुझे तलाक देने की बात कर रही हो, तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? तो मुझे बताओ, कर दो इन पेपरों पर साइन, रह लोगी मेरे बिना? बोलो अब, चुप क्यों हो, क्या हुआ? कर देता हूँ ना मैं साइन इन पे, बताओ रह लोगी? भी कोई भी परिवार ना छोटी मोटी लड़ाई को भुला कर चलता है, ना कि छोटी मोटी लड़ाई को बड़ा बनाकर चलता है। अगर रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा झुकना पड़े ना तो झुक जाना चाहिए, इससे रिश्ता बच जाता है। दीप, अगर रिश्तों में ज़्यादा दरार आ जाए या परिवार में ज़्यादा कड़वाहट आ जाए और अगर रिश्तों में ज़्यादा जहर घुल जाए तो रिश्ता बचा के ना कोई फायदा नहीं है, हम तलाक के बारे में फिर सोच सकते हैं। दीप, मैं तो तुमसे एक ही बात कहूँगा, अगर मेरे या तुम्हारे झुकने से रिश्ता बच रहा है ना
तो बचा लेना चाहिए। दीप, पति पत्नी की समझदारी से ही रिश्ता चलता है, और अगर उनमें से एक भी बेवकूफ़ी कर देना तो रिश्ता टूट जाता है, और अगर एक बार रिश्ता टूट गया है ना तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए तुम जो भी करना ना समझदारी से करना। सॉरी सर जेस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समझा दिया। अगर आज तुम मुझे नहीं समझाते ना तो पता नहीं मैं क्या ही कर देती। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी। Thank you.